अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू कुकिंग विद सूफी अली। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। ये एक गुजराती डिश है और ये नाश्ते में खाई जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और इंस्टेंट बनती है। तो चलो बताते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन लिया है, ये प्योर बेसन है। 1 टीस्पून ये तड़के का सामान है। 1 टीस्पून हमारे पास है मस्टर्ड सीड है, ये कुछ करी लीव्स है, और ये हमारे पास है चिली, ग्रीन चिली है। 1/2 टीस्पून शुगर है। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कितना लगेगा। और ये 2 पिंच ऑफ रेड चिली है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून इनो है और 2 पिंच ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा है। और ये हमारे पास है लेमन जूस, 2 लेमन का जूस मैंने निकाला है ये। और कुछ पानी है और ये हमारे पास ऑयल है कुछ। तो चलिए बताते हैं इसे बनाने के लिए कैसे क्या करना है। ये मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने ये छन्नी रखी हुई है, तो इसको आप ज़रूर छान लें, नहीं तो लम्स, आप कितना भी फेंटो थोड़े से लम्स रह जाते हैं। तो हमेशा बेसन को छान के यूज़ करना चाहिए। इस तरह से सारा छान लेते हैं और बताते हैं आगे का। देखिए, बेसन हमने छान लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना हल्दी पाउडर, सारा ही डालेंगे, सॉल्ट भी सब डालेंगे हम, और चिली भी सारी डालेंगे। शुगर 1/2 टीस्पून है वो डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे ऐसे, जितना ये अच्छी तरह से बैटर इसका अच्छा रेडी हो जाए उतना पानी डालेंगे। ऐसे अगर बताएंगे तो कई बार होता ना कम ज़्यादा हो जाता है कि 2 कटोरी है बेसन तो आप 2 2½ कटोरी पानी डालो, तो इससे बेटर है आप इस तरह से डालें। मैं आपको बैटर बताती हूँ किस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें, ये हमारे पास टीस्पून है, 2 3 3 टीस्पून मैंने लेमन जूस डाला, बाकी का हम तड़के में, ये सब तड़के में डालेंगे। और इनो हम पहले से नहीं डालेंगे क्योंकि इनो अगर अभी डाल देंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम जब स्टीम के लिए रखेंगे तभी हम इसको डालेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ये मिक्स हो गया है। अभी देखिए ये ऐसे हैं, थोड़ा सा और डालेंगे पानी इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। ये हमारे पास टीस्पून है, 1 एंड 2 टीस्पून बस इसमें ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए मिक्स कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो ही गया तकरीबन। अब इसको हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए, और तब तक के लिए हम पैन में पानी गर्म करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इसकी अब कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने एक पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, ऑयल ज़रूर लगाएं ताकि आपका ढोकला चिपके ना। और आप देख लें बर्तन, जिस तरह जितना है ये आपका बैटर है उसी हिसाब से आप इसमें उतना बड़ा पैन लें। अब देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा इस तरह से, उससे करते हैं, बीटर से करते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं। और इनो डाल के फिर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको चलाना नहीं है उसको बहुत ज़्यादा। इनो जब डालेंगे तो हम इनो डालते हैं, इस तरह से। ये देखिए कितना फ्लफी हो रहा है इनो डाल के, ये हो गया माशाल्लाह, कितना अच्छा सा हो गया है फ्लफी, पूरा मिक्स हो गया है इनो। अब हम अपने पैन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखो इस तरह से इसको अच्छी तरह से करते हैं।
आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में आप पानी नीचे डालें और स्टैंड एक रख दें, जो बर्तन रखने वाला स्टैंड होता है स्टील का, वो स्टैंड रख दें। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप प्लेट रख दें, लेकिन कुछ ऐसा रख दें जो पानी से ऊपर रहे, ये इस तरह से। अब इसको हम सेट करेंगे ऐसे हल्के से, इसको सेट करें। चलिए ये सेट हो गया, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए पैन हमारा गरम हो गया, इसका पानी गरम हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें, ये नीचे मैंने पानी डाला, ऊपर जाली रख दी है, तो मेरे पास ये है तो मैंने रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नीचे स्टैंड रख सकते हैं बर्तन वाला, इसको रख दिया। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये देखिए इसमें पानी आया है, इसको आप फौरन से टावल से पानी को सुखाएं, नहीं तो ये सब ऊपर पानी आ जाएगा। इस तरह से साफ कर लिया पानी, अब हम इसको रख देते हैं और 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए मसाला 20 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ये अपना खोलेंगे ढोकला। इसको देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ढोकला रेडी है। इसमें हम क्या करेंगे, टूथपिक से हम चेक करेंगे कि ये सही से हो गया। ये देखिए एकदम क्लीन, ये देखिए एकदम क्लीन निकली है इसकी टूथपिक। ये देखिए इसका मतलब हमारा ढोकला रेडी है। तो चलिए इसमें तड़का लगाते हैं, निकालते हैं इसे बाहर और इसमें तड़का लगाते हैं। देखिए चाकू की मदद से हम इसको साइड से इस तरह से कर लेंगे। पहले इसे पकड़ लें अच्छी तरह से, जले ना हाथ, गरम गरम होता है ये। इस तरह से ये अच्छी तरह से कर लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, चलिए इसे रिमूव करते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म था तो मैंने छोड़ दिया था इसको इस तरह से। ये देखिए हमारा ढोकला निकल गया अच्छी तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे, ये देखिए इसका स्पंजीनेस देखिए, अब इसको कट कर लेंगे। तब तक ये ठंडा हो रहा है, हम क्या करेंगे इसका तड़का तैयार करते हैं। देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया है, अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और अपने ढोकले के ऊपर तड़का लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा डीप बर्तन में इसे चेंज कर लिया है प्लेट से, ताकि अच्छी तरह से इसमें पानी इधर उधर ना हो और पूरा आ जाए उसमें उसका असर। ये देखिए हमारा रेडी हो गया ज़बरदस्त सा गुजराती ढोकला, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए इसे 5 मिनट के बाद हम प्लेट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्लेट करके। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा ढोकला रेडी है। गुजराती डिश है ये, नाश्ते में खाते हैं। तो अगर आपका मन करे पकौड़े वकौड़े नहीं खाना है तो सिंपल सा ये नाश्ता बना सकते हैं आप। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह स्पंजी हमारा ढोकला तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।